आज की रेसिपी में बनाएंगे हम पालक पनीर। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर की रेसिपी। यहाँ पर पालक पनीर बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पालक का जड़ हटा लिया है और मोटे डंठल को हटाकर इसे साफ कर लिया है अच्छे से। 200 ग्राम पनीर को हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन को हमने थोड़ा बारीक काटा है, थोड़ा मोटा काटा है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने थोड़ा सा बारीक काटा है और थोड़े सा को इस तरह से मोटा काट लिया है। कुछ खड़े मसाले हमने लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़े से लौंग, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च हमने ली है। इसके बाद हमने 1 टमाटर को बारीक काट लिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर और यह जीरा पाउडर, थोड़े से नमक स्वाद के लिए लिया है हमने। अब हम गैस को ऑन करके और एक बर्तन में 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो पालक को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर पानी उतना ही डालेंगे जितना में कि पालक अच्छी तरह से डूब जाए और इसे ढककर बस 1 मिनट तक हम पकाएंगे। बस हाफ कुक करना है इसे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इस पालक को निकाल कर और ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से पालक का कलर जो है वो ग्रीन बना रहेगा और बस इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें सारे खड़े मसाले को डाल देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। मसाले जब छटक जाएं तब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। यहाँ पर बस हम आधे प्याज ही इस्तेमाल करेंगे। प्याज को थोड़े से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो मोटे कटे हुए लहसुन है और मोटे कटे हुए अदरक है इसे हम डाल करके और इसे भी प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है। टमाटर अगर कच्चा रहेगा तो इससे पालक पनीर में खट्टापन आ जाएगा, तो टमाटर को अच्छे से पका लें। तब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। साथ ही हम उबले हुए पालक को भी डाल लेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इसका हमने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालें और नहीं तो ऐसे ही इसे पीस लें। इसके बाद उसी पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल और डाल लेंगे और पनीर क्यूब्स को डालकर और हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी पनीर क्यूब्स का पालक पनीर बना सकते हैं। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है और फिर से इसी पैन को हम गैस पर चढ़ा लेंगे और इसमें फिर से 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसके बाद बाकी जो बचे हुए बारीक कटे प्याज हैं, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को डालकर और हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज अदरक लहसुन, फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा अब हम पानी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मसालों को भून लेंगे। अभी 1 मिनट हो चुके हैं मसाले भूनते हुए। इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे मलाई। मलाई डालते ही मसालों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है। जैसे ही हम मलाई डालते हैं इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाता है मसालों का।
तो बस मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। मलाई ज़रूर डालें आप, अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें फ्रेश दही भी डाल सकते हैं या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसमें पालक और मसालों का जो पेस्ट है इसको डाल देंगे। इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। पालक को मसालों के साथ भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पालक पनीर में। थोड़ी देर मसालों के साथ पालक को भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर के साथ फिर इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे। बस अच्छे से हमने पालक को मसालों के साथ भून लिया है और इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अच्छे से हमने भून लिया है पालक को और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जार को धोकर हमने इसमें डाल दिया है और ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और ऐड कर लें। और अब हम इसमें सारे पनीर क्यूब्स को डाल देंगे। यहाँ पर अगर आप बिना फ्राई किए हुए पनीर डालना पसंद करते हैं तो आप पनीर को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 1 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर सब कुछ पका हुआ है तो बस 1 मिनट ही हम इसे पकाएंगे और 1 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। तो ये रही पालक पनीर की रेसिपी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।